ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने किराए के मकान से नकली नोट छापने वाले गिरोह को पकड़ा है। वहीं मौके से दो आरोपियों को हिरासत में लेते हुए 500 के नकली नोट बरामद किए, साथ ही नकली नोट छापने वाली मशीन जब्त की है। पकड़े गए आरोपियों ने यूट्यूब से नकली नोट छापने का तरीका निकाला था। ग्वालियर SSP अमित साखी ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि माधोगंज क्षेत्र में कृष्णा कॉलोनी में एक कमरे के अंदर नकली नोट छापे जा रहे हैं। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम ने यहां दस्तक दी और मौके से दो युवकों को 100 और 500 के नकली नोट छापने के बाद कटिंग करते हुए दबोच लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि ग्वालियर के वो रहने वाले हैं। सूचना मिली थी कि कुछ दो लड़के हैं जो कहीं मकान लेके रह रहे हैं और वो नकली नोट चला रहे हैं मार्केट में। इस तरह की जब सूचना जो मिली तो क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया। क्राइम ब्रांच ने लगातार फॉलो करते हुए इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए कुछ इनपुट्स डेवलप किए गए और उसमें फिर एक कृष्णा कॉलोनी में जो मकान आइडेंटिफाइड हुआ वहां पर ये कमरा किराए से लेकर रह रहे थे, जबकि रहने वाले ये मूलतः पुरानी छावनी में 30 फुट क्षेत्र के, लेकिन ये कृष्णा कॉलोनी में कमरा किराए से लेकर रह रहे थे, वही नोट बनाने का काम कर रहे थे। और क्राइम ब्रांच थाना माधोगंज की संयुक्त कार्रवाई करते हुए 12 नोट 500 के मिले हैं और 11 नोट 100-100 के नोट मिले हैं। और वहां पर जो सामग्री है, डेस्कटॉप है, प्रिंटर है, स्कैनर है, UPS है, कीबोर्ड है, ये सारी चीजें मिली हैं जिनको की जब्त कर माधोगंज में वैधानिक कार्रवाई की गई है।